नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस वैशाली टक्कर की। बता दें वैशाली टक्कर के निधन को आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं। लगातार इस केस में इंदौर पुलिस छानबीन कर रही है। जिस तरह से इस केस में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा की ओर से बड़ा कदम देखने को मिला, जी हाँ, इस केस में मुख्य आरोपी जो कि यहाँ पर लगातार वैशाली टक्कर को परेशान कर रहे थे, उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, इनके खिलाफ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 5,000 रुपए का इनाम रखने की घोषणा की है, जिसके लिए उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर इंदौर पुलिस का भी एक बड़ा कदम देखने को मिला। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार राहुल और दिशा की तलाश में लगी हुई है इंदौर पुलिस। और यहाँ पर एक और तीसरा शख्स जिस पर लगातार यहाँ पर पुलिस को डाउट है, जो शायद राहुल और दिशा की छुपने में मदद कर रहा है, ये शख्स और कोई नहीं बल्कि दिशा का भाई रोहित है। अब जल्द ही इस केस में इंदौर पुलिस राहुल पर अपना शिकंजा कसने वाली है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या राहुल वाकई में राहुल और दिशा की कह सकते हैं कि भागने में मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को यह अंदेशा है कि राहुल और दिशा पुलिस की हिरासत से बचने के लिए, या यूं कहिए कि वैशाली टक्कर के केस में खुद को बचाने के लिए देश छोड़ने की फिराक में है, जिसके चलते उनके खिलाफ अब लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, जिसके बाद से लगातार इंदौर पुलिस इस केस को और ज्यादा सक्रियता से सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 3 टीमें बनाई गई हैं जो यहां पर लगातार इस केस में काम कर रही हैं और राहुल और दिशा की तलाश में लगी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार रोहित की ओर से इस केस में क्या खुलासा किया जाता है। आज के लिए इस खास वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।